हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर अधिवक्ता विनय शर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले में बीते दिन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी। कहते हैं कि पहली बार हिमाचल की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि हम भी अब बिहार और यूपी बनते जा रहे हैं। 5-5 से लेकर 10-10 लाख रुपए के बीच में पेपर बिका है। पहले लीक हुआ पुलिस कस्टडी से, उसके बाद ये पैसों के रेट के हिसाब से बिका और 5 से 10 लाख रुपए में बिका। ऐसा आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ही बिहार में भी यही ऐसे ही पेपर लीक हुआ है और 70-70 लाख रुपए का बिका है। हिमाचल में इस तरह का कभी घटना नहीं हुई, इसलिए हर हिमाचली जो है व्यथित है। पुलिस जो है उसकी जो आंच है, उसकी जो छवि है, उससे दागदार हुई है। हालांकि 4-5 लोग हैं जिनकी वजह से ये पेपर लीक हुआ होगा, लेकिन पुलिस फोर्स पूरी जो है वो इस समय दुखी है कि सारे लांछन जो है उन पर लग रहे हैं। हमने ये कहा कि पुलिस कस्टडी से ही पेपर लीक हुआ। आपको प्रोसीजर का पता ही है कि पुलिस हेडक्वार्टर से जब पेपर बन के ये नीचे सेंटरों में जाता है तो सील्ड जाता है, वहाँ से वीडियोग्राफी होती है। एक गस्टर्ड ऑफिसर जो है हर डिस्ट्रिक्ट से पुलिस हेडक्वार्टर आता है, उसको जब पेपर क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट दी जाती हैं तो वो सील्ड होती हैं, उसकी वीडियोग्राफी की जाती है। उसके बाद ये एसपी जो कंसर्न है उसके पास पहुंचती है। एसपी जो है उसको भी नहीं पता होता कि पेपरों के बीच में क्वेश्चन पेपर क्या है। उसके बाद जब एसपी की तरफ से ये एक ऑफिसर जो है हर सेंटर में जाता है, 83 के करीब सेंटर थे, हर सेंटर के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको जब ये क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट दी जाती है सील्ड, तो वो एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन पेपर और जो ओएमआर शीट हैं ये सील्ड मिली हैं। तो अब बताइए, जब पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर सर जो सेंटर है वहाँ तक जब ये पेपर पहुँचता है तब तक ये पूरा सील्ड होता है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस हेडक्वार्टर से ये पेपर लीक हुआ होगा। और आप जानते ही हैं कि पुलिस ने एक टीम बनाई थी क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, पेपर कंडक्ट करने के लिए, जिसको पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड कहा जाता है। जेपी सिंह जो आईपीएस ऑफिसर है उसके हेड थे, सोमया सदाशिवन, गौरव सिंह और रोहित मालपानी जो है इसके मेंबर थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसमें रोहित मालपानी जो हैं वो एज ए मेंबर हैं। अगर मान लीजिए कि जो जांच है उसकी सुई जो है वो जाती है पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ या सिलेक्शन बोर्ड की तरफ, तो सिलेक्शन बोर्ड का जो मेंबर है वो कैसे इस इन्वेस्टिगेशन को जस्टिफाई करेगा। इसलिए हमने कोर्ट में कहा कि जो मेरी पिटीशन है उसमें हमने कहा कि सीबीआई जांच हो और हिमाचल हाई कोर्ट जो है वो उसकी निगरानी करे, जैसे गुड़िया कांड में निगरानी की गई थी उसी तरह इस केस को भी निगरानी की जाए, ताकि जो पुलिस की छवि पर दाग लगे हैं जिससे हर पुलिस वाला अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है, 70 लाख हिमाचली अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं, वो लोग दुखी ना हो। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।